स्थित उर्स के मेले से दो किशोरियों का एक महिला ने अपहरण किया था। उनमें से एक किशोरी सकुशल मिल गई है, जबकि कामती से अपहरण की गई बालिका के साथ आरोपी महिला को रायपुर में ट्रेन में पकड़ा गया। आपको बता दें कि घटित इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा ताजवा के स्थित उर्स के मेले से दो किशोरियों की एक महिला द्वारा अपहरण किए जाने से पूरे परिसर में हड़कंप मचा हुआ था। आपको बता दें कि उनमें से एक किशोरी सकुशल मिली है, जबकि कामठी से अपहरण हुई बालिका के साथ आरोपी महिला को रायपुर में ट्रेन में पकड़ा गया, जिसे लेने के लिए सकरधरा थाने की टीम भी रवाना हुई। आरोपी अपहरणकर्ता सरगम खान नामक महिला है, जो भीख मांगने का काम करती है। सोमवार और मंगलवार की रात में उसने ताजबाग में उर्स के मेले से कामठी की 13 वर्षीय बालिका और उत्तर प्रदेश की 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया था। इस बीच 14 वर्षीय किशोरी सरगम को चकमा देकर उसके चंगुल से भाग निकली। खोजबीन के दौरान वह परिसर में सकुशल पाई गई, जबकि कामठी की 13 वर्षीय बालिका का अपहरण करने में वह सफल हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही किशोरी ने बालिका के परिजनों को दी, जिससे मामला पुलिस तक पहुंचा। मेले में अपहरण होने की घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी सरगम और बालिका की तलाश में पुलिस ने परिसर के और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें बालिका के साथ रायपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार होते हुए सरगम कैद हो गई, जिसके चलते वहां की पुलिस को घटित वाकये की जानकारी देकर सरगम को पकड़ने के लिए कहा गया। इस बीच मंगलवार की रात में ही सकरधरा थाने की टीम भी रायपुर के लिए रवाना हो गई। सरगम को आखिरकार रायपुर से पकड़ा गया। उसके चंगुल से बालिका को भी सकुशल मुक्त किए जाने की जानकारी है। ताजुद्दीन बाबांचा 100वा उरुस असल्यामुळे पूर्ण भारतभरातून ताजबाग परिसरात मोठ्या संख्येने भाविक येत आहेत। त्याच्यापैकीच एक कुटुंब कामठी येथून आलेले होते, त्यांची 13 वर्षाची मुलगी सोबत होती। 29 तारखेला रात्री 9:30 वाजताच्या सुमारास ती त्यांच्या घरच्या लोकांसोबत त्यावेळेपर्यंत होती, नंतर दिसून आली नाही। त्यांनी रात्री इतरत्र शोधाशोध केले पण मिळाली नाही। इकडं कोणी जर जवळपास असेल इतर नातेवाईकांच्या सोबत असं म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला याबाबतीत काही रिपोर्टिंग केली नाही। दुसऱ्या दिवशी 30 तारखेला आम्हाला दुपारी त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन सांगितले की आमची मुलगी हरवलेली आहे। तर 18 वर्षाच्या खाली जर मुलगी किंवा बालक लहान हरवलेला असेल तर आम्ही 363 प्रमाणे गुन्हा नोंद करतो। त्याप्रमाणे त्यांना एका महिलेचा संशय आला, एक ओरिसातील महिला त्यांच्या 4-5 दिवसापासून संपर्कात होती, तिथेच तिच्यावर ती पण दिसून येत नव्हती, त्यामुळे तिच्या त्यांना संशय आला। परंतु त्या महिलेचा फोन नंबर त्यांच्याकडे होता, त्या फोन नंबरला आम्ही ताबडतोब गुन्हा नोंद करत आणि ट्रेसिंगवर ठेवला नंबर, तर तो रायपूरच्या आसपास त्याचं लोकेशन दिसलं। ताबडतोब आम्ही रायपूर क्राईम ब्रँच रेल्वेची त्यांच्याशी संपर्क साधला, रायपूर कंट्रोल रूम, त्याच्यानंतर रेल्वेच्या संबंधित पुढच्या सर्व कंट्रोल रूमशी ताबडतोब कॉन्टॅक्ट करून त्या मुलींचं त्या महिलेचं लोकेशन आम्ही मोबाईलचं त्यांना शेअर केलं आणि मोठ्या प्रमाणावर सूत्र फिरवून ताबडतोब त्या महिलेला आणि तिच्यासोबत या मुलीला आम्ही त्यांच्या मदतीने छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या रेल्वेच्या क्राईम ब्रँचच्या मदतीने ताब्यात घेतलं। कि इस मामले में बालिका किशोरी और सरगम भीख मांगने के लिए मेले में एक साथ बैठी हुई थी, जिससे उनके बीच आपस में जान पहचान हुई थी, ऐसी जानकारी भी है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।